नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। लूटपाट का सफल उद्भेदन, तीन अपराधी देसी पिस्तौल कारतूस के साथ किए गए गिरफ्तार। जिला शिवहर पिपराही थाना अंतर्गत धनकोल बांध के पास घटित लूटकांड का सफल उद्भेदन किया गया है। लूटी गई मोटरसाइकिल के साथ तीन अपराध कर्मियों को दो देसी पिस्तौल, तीन कारतूस और लूट में प्रयोग किए गए मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया है। उक्त जानकारी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय भाती ने प्रेस वार्ता करके दी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय भाती ने प्रेस वार्ता में बताया कि लूट कांड का सफल उद्भेदन को लेकर पुलिस टीम गठित की गई थी, जिसके तहत आज सूचना संग्रह एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर घटना में संलिप्त अपराध कर्मियों को चिन्हित करते हुए कई स्थानों पर छापेमारी की गई है। गुप्त सूचना के आलोक में घटना में शामिल तीन अपराध कर्मी शिवेंद्र कुमार सिंह उर्फ शिबू सिंह, पिता मुकेश कुमार सिंह, साकिन बेलाही जयराम थाना सहियारा, दूसरा सुनील कुमार पिता सहेंद्र भगत साकिन भंडारी थाना बेलसंड एवं कुंदन कुमार ठाकुर पिता राम नरेश ठाकुर साकिन रेन विशुनी थाना रुनी सैदपुर सभी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से लूट की मोटरसाइकिल, दो देसी पिस्तौल, तीन कारतूस, पांच मोबाइल और घटना में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल बरामद की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए अन्य कांड में भी संलिप्त रहने की बात कही गई है। घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि गिरफ्तार अपराधियों को सीतामढ़ी के विभिन्न थानों में भी इनका मामला दर्ज है। 8 मार्च को रात 9 बजे नवीन कुमार सिंह, पिता प्रेमचंद्र सिंह, साकिन चमनपुर थाना जिला शिवहर और नितेश पासवान साकिन रेजमा जिला शिवहर अपनी अपनी मोटरसाइकिल से सीतामढ़ी की तरफ से शिवहर की ओर आ रहे थे। इसी क्रम में धनकौल बांध के पास मोटरसाइकिल सवार अज्ञात अपराधियों द्वारा हथियार का भय दिखाकर उक्त दोनों व्यक्तियों को मोटरसाइकिल, दो मोबाइल और पर्स लूट लिया गया। इस बाबत पिपराही थाना में कांड भी दर्ज किया गया था। पुलिस गठित टीम में एसडीपीओ शिवहर के नेतृत्व में विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया, जिसमें साकेत कुमार पुलिस उपाधीक्षक, परीक्षमान प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक अभिषेक आनंद, थाना अध्यक्ष पिपराही, थाना अध्यक्ष श्यामपुर भटहा सहित पुलिस अवर निरीक्षक जितेंद्र महतो, थाना अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति पुनहिया, थाना अध्यक्ष एवं तकनीकी शाखा के मनीष कुमार भारती आदि शामिल थे। देखिए शिवहर ब्यूरो प्रिंस कुमार की रिपोर्ट। कहाँ का है सर मामला? देखिए 8 तारीख को, 8 मार्च 21 को 9 बजे की घटना है धनकौल बांध के पास। उसमें नवीन कुमार जो चमनपुर के निवासी थे और नितेश पासवान जो रेजमा के निवासी थे, वो सीतामढ़ी से शिवहर की ओर आ रहे थे। इसी क्रम में लगभग 8 तारीख को 9 बजे रात्रि में उस जगह पर उनकी कुछ अपराधियों द्वारा मोटरसाइकिल दोनों की और दोनों का मोबाइल और पर्स इत्यादि लूट लिया गया था। वो केस अननोन हम लोग ने उसको प्रतिवेदित किया था, जो पिपराही थाना कांड संख्या 51B से संबंधित है। उसमें लूट का मामला दर्ज किया गया था। फिर इसमें हम लोग ने विशेष SIT का गठन किया। SIT के टीम द्वारा जो इसमें थे इन्वॉल्व, उसमें SDPO के नेतृत्व में दोनों DSP जो मेरे प्रोफेशनर साकेत कुमार, अभिषेक आनंद और SHO पिपराही अवधेश कुमार, SHO श्यामपुर भट्टा, SHO जितेंद्र महतो, SCST थाना, ये लोगों को एक। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।